तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दूसरी बताने के लिए और स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज ये होती है कि हमारे पास किसी भी तरह की पीडीएफ फाइल जो होती है, हमारे नोट्स होते हैं या फिर किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमें उनमें कुछ हाईलाइट करना है या किसी भी तरह की चेंजिंग करनी है, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम आता है यार, इसमें मैं कैसे करूँ या बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, इसको फोटोशॉप में लेके जाऊँ या क्या करूँ। तो इसके लिए बहुत आसान से तरीका आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पीडीएफ लाइनर एक वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। इस पे आने के बाद ही आप देखें अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने आ जाना है। कोई भी आपके पीडीएफ की डॉक्यूमेंट है, जैसे यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे फेंक देता हूँ। इसमें आप जरूरी नहीं कि पीडीएफ फाइल, कोई भी आपकी जेपीजी फाइल है, पीएनजी फाइल है, आप उसको भी लाके उसके ऊपर भी किसी भी तरह की चेंजिंग है वो आप अपने डॉक्यूमेंट पे कर सकते हैं। खास तौर पर जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि यार एक आपकी फाइल है तो उसमें आप किस तरह उसको एडिट करेंगे और उसमें किस तरह चेंजिंग करेंगे। अभी मेरा नेट स्लो चल रहा है लेकिन हमारी फाइल ओपन हो जाती है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मेरा नेट कनेक्शन स्लो है तो इस वजह से। अच्छा, इसमें ये भी है कि आप इसके अंदर किसी भी तरह का आपको मतलब ड्रॉ करना है कुछ भी, आप अपने पीडीएफ फाइल के ऊपर वो ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसको सेव भी करना चाहें तो एज ए पीडीएफ में भी आप सेव कर सकते हैं, जेपीईजी में भी सेव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टूल है ये, इससे अच्छा टूल मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कहीं मिलेगा या कुछ भी। अभी आप देख रहे हैं मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है, इसके ऊपर मैं कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ तो मैं उस हिसाब से इसको कुछ चेंजिंग कर सकता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये आपके पास एक पूरा इसका डैशबोर्ड आ जाएगा, ये एक इसका बिल्कुल फेस टाइम आ जाएगा, फेसबुक आप देख रहे हैं इसका इस तरह का आएगा, तो आपके पास ये सारी काफी चीजें आ जाएंगी। तो ये वो चीजें हैं जो इसके एडिटिंग टूल्स हैं। इसमें कुछ एड फील्ड्स आप करना चाहते हैं, अभी अपना वाटर मार्क लगाना चाहते हैं, क्विक फिल भी करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके ऊपर आके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आप बताऊँ, ये एक हाईलाइट का आप देख रहे हैं, मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं इसके ऊपर कर देता हूँ कि लाइव मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। ऐसे इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे लाइव टच से, इसके ऊपर हम कॉपी कर देंगे तो ये आप देख रहे हैं इस तरह मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। आप इसके कलर भी चेंज करना चाहें तो नो इश्यू, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ चीज आप देखें, इंसर्ट का ऑप्शन है, कुछ भी आप इसके ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी चाहता हूँ कि मैंने जो ये किया इसको मैं कहता हूँ कि हाँ ये जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे आप लेना चाहते हैं या कुछ भी, ये सेटिंग बिल्कुल ठीक है, आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैं इसको ओके कहता हूँ, इस तरह का साइन भी आप लगा सकते हैं। ये बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एरो है, मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज है इसका ताल्लुक इससे है और ये बहुत जरूरी है, और यहाँ से मैं इसको एक और भी ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ तक आपने इसको लाजमी फिल करना है। मतलब किसी भी आपकी पीडीएफ फाइल है तो आप उसके ऊपर इस तरह की चेंजिंग कर सकते हैं। मैंने बॉक्स लगा दिया है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं सेव करके। कोई भी आपको इस तरह की चेंजिंग करनी है, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, वो भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई एड टेक्स्ट आप कह देते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं, कुछ भी टेक्स्ट आपको लिखना है मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज सर्टिफाइड दैट, ये आप देख रहे हैं मैंने इसको टाइप कर दिया। इसको थोड़ा सा आपने अगर बड़ा छोटा करना है वो भी आप पे डिपेंड करता है, मैं इसको इतना ही लिख के इसको कहीं अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं ओके करता हूँ, अब ये मेरी फाइल ओके हो गई है। ओके, तो इस तरह आप कुछ भी आपके चेंजिंग हैं, कुछ भी आप इसके ऊपर बाय हैंड भी आप ऐसे ड्रा करना चाहते हैं, कुछ भी आप देख रहे हैं तो आपको बता रहा हूँ, तो वो भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है कि आप। अच्छा, एक और बहुत जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एड साइन कोई आपका है तो आप इसके ऊपर अपना कोई साइन करना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो वो आप टाइप भी करके ये आप देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ट टाइम GFX, ये हमारा एक साइन बन गया, एक सिग्नेचर बन गया है। इसको हम उठाते हैं, इसका कलर भी हम ये देना चाहते हैं या रेड कर देते हैं,
ये हमने लगाया और मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। चलिए वेरीफाइड साथ लिखा हुआ आएगा कि ये सिग्नेचर इस टाइम आपने डॉक्यूमेंट पे किया है, किसी तरह का फेक या कुछ भी ये शो नहीं होगा। इस तरह करने के बाद आप डन पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, आपको इसको किस तरह में आप सेव करना चाहते हैं, PDF में करना चाहते हैं, JPEG में करना चाहते हैं, तो आप उस तरह इसको सेव कर सकते हैं। तो ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा बहुत बेहतरीन है, क्योंकि सारे नोट्स वगैरह PDF फाइल्स में होते हैं, तो ये बड़ा आसान रह जाता है हमारे लिए। वीडियो के एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करेंगे।